हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे प्लम जूस एंड प्लम मोजिटो बना रही हूँ। तो ये दोनों रेसिपी मैं एक साथ बनाऊंगी और प्लम से ही बना रही हूँ, आलू बुखारे से बना रही हूँ ये। और ये आप जानती ही हैं कि हम ये हेल्थ से भरपूर होता है, इसमें काफ़ी रिच क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, साथ ही साथ कैल्शियम विटामिन से ये भरपूर होता है। तो मोस्टली ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इस जूस के लिए भी और एंड इस फूड को खाने के लिए भी। तो मैंने आज सोचा कि इसी से रिलेटेड मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए देर ना करते हुए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर प्लम चाहिए, ये आलू बुखारा है। आलू बुखारा इस तरह से ज़्यादा कच्चा नहीं होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि डार्क कलर का है। और इस तरह से हम इसको पील कर लेंगे, छील लेंगे अच्छे से, इसके इस तरह से टुकड़े लेकर। और इसमें जाएगा मेरा ब्लैक पेपर और रोस्टेड जीरा पाउडर और क्यूमिन्स, दूसरा मिंट पाउडर है, और यहाँ पे मिंट रखे हुए हैं। दूसरा मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ मिंट लिया हुआ है, साथ ही साथ मैंने इसमें चीनी ली है। तो चलिए मैं ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक जार लेना है मिक्सी का। मिक्सी के जार में मैं ये प्लम्स हैं तो सबको मैं इसमें डाल दूंगी। और मुझे इसका एक पेस्ट बनाना है। और इसी स्टेज में हम यहाँ पे इसमें चीनी डालेंगे। तो लगभग मैंने 3 स्पून शुगर ली है, आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमें इसको पीसना होगा। और इसमें हमें पानी डालना है थोड़ा, लगभग हाफ ग्लास। और फिर हम इसको इसी तरह से छान लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको स्टेनर में छान लेंगे। कितना अच्छा ये जूस बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जूस निकल रहा है हमारा। और अच्छे से हमें इसको छान लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जूस बना के रेडी किया हुआ है। अब हम दो अलग अलग ड्रिंक बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जूस बनाने के लिए चाहिए, और ये हमें चाहिए मोजिटो के लिए। तो दोनों अलग अलग ड्रिंक के लिए, यहाँ पे तो मेरा ये जूस बन के रेडी हो चुका है। तो इसमें जाएगा क्यूमिन सीड्स और मिंट पाउडर, साथ ही साथ ब्लैक साल्ट एंड आइस क्यूब्स। तो ये तो मेरा जूस बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमें मोजिटो बनाना है। तो मोजिटो के लिए हमें जो मिंट के पत्ते हैं उनको इस तरह से हमें तोड़ना होगा। और यहाँ पर ये प्लम के स्लाइसेस हैं, इनको मैं इस तरह से डालूंगी। और ये है मेरे पास नींबू। अब इसमें जाएगा रोस्टेड जीरा पाउडर, ब्लैक साल्ट और ये है लेमन जूस 1 टीस्पून। तो इसमें डालेंगे अब हम आइस क्यूब्स। अब यहाँ पे जाएगा सोडा वाटर। ये देखिए मेरे यहाँ पे प्लम मोजिटो भी बनके रेडी हो चुका है, और साथ ही साथ और इसका प्लम जूस भी रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे दोनों रेसिपी बनके रेडी हो चुकी हैं। और मैंने ये दोनों ड्रिंक्स मैंने तैयार कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही रेसिपी में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।